मैं नित्या पारिक हूँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की मेंबर, और मैं अभी पूरे ब्राह्मण जो अपना ब्राह्मण इंडिया में जितने भी ब्राह्मण हैं मैं सबको रिप्रेजेंट करके आपसे बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो ये आर्टिकल 15 नाम की मूवी रिलीज हुई है जिसमें कि यूपी में ये केस हुआ था, जो रियलिस्टिक मूवी है, एक रियल स्टोरी पे बेस है। अगर ये रियल स्टोरी पे बेस है तो जिन्होंने जो एक्यूज थे और जिन्होंने किया तो उनका कोई कास्ट का वो डिक्लेरेशन नहीं होके ब्राह्मणों पे सीधा आप फोकस कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मणों का उस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप ब्राह्मणों को दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण मिसयूज करके दलितों के साथ गलत कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा, मतलब ब्राह्मणों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और मैं चाहती हूँ कि भाई पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी एक होके इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि आज आप एक छोटी सी चीज़ में अगर ब्राह्मण एक होके आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल और मौके मिलेंगे इन लोगों को कि अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ब्राह्मणों का मिसयूज़ किया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ जो ये उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई थी आप सब स्टडी करें उसके बारे में कि वहाँ पे ब्राह्मण्स का कहीं भी पॉइंट नहीं है, ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी जो डायरेक्टर्स हैं और उन्होंने वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ब्राह्मणों का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आज हम सब ने मिल के ब्राह्मण, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पूरे ब्राह्मण्स मिल के, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, परशुराम वाहिनी सेना और JCL, ऐसे करके कई हम ग्रुप्स मिल के आज क्या बोलते हैं आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गए थे और उसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाके, दोनों जगह जाके कंप्लेन दे के आए हैं। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए और जितना जल्दी हो सके मूवी को बैन किया जाए। और एटलीस्ट जो ट्रेलर आप देख रहे हैं उसमें पर्टिकुलर ब्राह्मणों के एक गोत्र पे सवाल उठाया हुआ है जो कि बहुत हाई लेवल के ब्राह्मणों का गोत्र है। तो आप पहले तो ब्राह्मणों पे आप उठा रहे हैं वो गलत है, उसके बाद आप जो हाई लेवल वाले, सबसे टॉप लेवल वाले ब्राह्मणों हैं सीधा उनको आप टारगेट कैसे कर सकते हैं? इसका आपको राइट नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी भी कास्ट के ऊपर राइट उठाएं, इससे आप और गलत चीज़ों को आप एनकरेज कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई आप सब मिलकर एक हो जाए और देखें, अपना कॉमन सेंस लगाएं कि भाई जो चीज़ अगर रियलिस्टिक में जिसमें ब्राह्मण है ही नहीं तो आप उसको एंटरटेन के लिए ब्राह्मणों को कैसे बीच में ला सकते हो। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं चाहती हूँ मूवी बैन हो जाए।